हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नमिशा व्लॉग्स। सो आज का दिन आज क्या है, आज है फ्राइडे। हम निकल रहे हैं अपनी रोड ट्रिप के लिए और वी आर गोइंग टू, ये हम आपको लास्ट तक शायद आपको पता लग जाए कहाँ हम पहुंचे हैं। अगर नहीं पता लगे तो मतलब नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। यस, एंड यहाँ से है 14 घंटे का रास्ता हमारे घर से और हमें 9 बजे निकलना था, लेकिन हम हमेशा की तरह लेट है। 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और ये जगह डिसाइड करिए पापा ने, क्योंकि पापा का 50th बर्थडे है, तो ये पापा की लोकेशन है और रोड ट्रिप पापा के अकॉर्डिंग चलेंगे सब। और अब हम आपसे मिलते हैं जाके कार में, सीधा गाड़ी में मिलते हैं, बैग्स नीचे लेके जाने अब फटाफट। बाय। सो गाइस, बैग हो गए हैं पैक एंड वी आर रेडी। पापा इज हेयर, मम्मी इज हेयर, उपासना चारू सब है और टाइम हो गया 10:45। चलो फटाफट भागेंगे। ओ भाई खोल ले, अरे बंद कर रहे, गाड़ी तो निकाल ले दो। Few moments later. So, हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, हमने लिया फर्स्ट स्टॉप गुलशन ढाबा इन मुरथल एंड हम यहाँ पर बैठे हैं। ये बड़े मस्त सीखा है इसने, क्या बोलते हैं इसको, पराठा चौपड़ना, चौपड़ दिया इसको। आ गया है डोसा, संदा, हम दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारी अंपायर। गाइस पनीर पराठा खा के इतना हैवी था गुलशन, उसका सुखदेव का इतना पतला सा होता है, इस गुलशन का इतना हैवी पराठा, भाई मज़ा आ गया। हम कह रहे हैं बस सो जाओ, लेकिन से मैंने कॉफ़ी ले ली है अब, लेकिन पापा ही चला रहे हैं अभी भी गाड़ी शायद। ट्यूशन पढ़ाने पापा चारू को यहाँ बैठ के व्लॉग दिख नहीं रहा था, ये ऊपर देख रही है वहाँ पे उल्टा, ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है ऊपर इस व्लॉग की, तो ये यहाँ बैठ के देखी जा रही है यार। थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, मतलब ठीक है, बट दिख रहा है मुझे यार। ये एपिक किताब है, एपिक गाड़ी में। लेकिन स्क्रीन का बहुत फ़ायदा है यार, बढ़िया चीज़ है। कोई भी मूवी डाउनलोड करो, हम लैपटॉप भी लाए हैं तो पास में लगी हुई है, साथ साथ डाउनलोड कर रही है चीज़ें और हम देखे जा रहे हैं उसमें, बढ़िया सीन है। मज़े आ रहे हैं। बस 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 बेटे, इतना भी प्यार नहीं, बस 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 कपड़े गंदे नहीं करने। अरे बस यार, तू तो ओवर फ्रेंडली, अबे तेरी ऐसी की तैसी क्या कर रहा है कुत्ते, तेरी मैं मारूंगा तो, चल। टी शर्ट गंदी कर दी, शाबाश। तेरे को बोला है ज्यादा ओवर फ्रेंडली मत हो, हाँ हाँ तेरे मैं रेपटा मारूंगा, मारू मारू मारू, चल जा बाय। पापा को चाय पीनी थी तो पापा गए हैं चाय पीने, चारू अंदर है गाड़ी में और ये दोनों घूम रहे हैं मम्मी और उपासना। तो हम रुके हैं बरिस्ता पे और यहाँ पर अब मम्मी कॉफ़ी पी रही है एंड पापा चाय, क्योंकि हम पहले जिस स्टॉप पे रुके थे वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं था, पापा को मज़ा नहीं आया, तो यहाँ पर आ गया है। लाइटिंग मुझे लग रहा है बिल्कुल कालू, मैं तो वही मद्रासी बना रखा, तुमने मुझे कालू बोल बोल के, हाय मेरा कालू, हाय मेरा कालू वाली कालू, हाय मेरा कालू, हाय मेरा। सो गाइस, चाय और कॉफी पी लिया है पापा, किवें दी सी चाय? बहुत होती है, बहुत होती, सच सच बताओ, झूठ रही थोड़ी, हाँ पतली थी ना बहुत। मम्मी कॉफी कैसे थी? कॉफी तो बहुत अच्छी थी। Guys, आपने रील बनाई, मैंने रील बनाई है, इतनी मस्त रील बनाई है ना, मैं डाल दूंगा इस पे वीडियो में, डालूंगा भाई, कोलैबोरेशन कर लूंगा। ये देखो ये ट्रेंडिंग में आजकल, ये म्यूजिक भी डाल दूंगा, ये देखो टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग। और अब सुबह हो चुकी है, पहाड़ दिख रहे हैं सामने, अब हम चढ़ने वाले हैं पहाड़ों पे और बारिश अभी भी नहीं रुकी है, बारिश ही बारिश हो जा रही है। दिल्ली में बढ़िया मौसम हुआ है और हम पहाड़ों में आ गए हैं, बताओ, जब दिल्ली में गर्मी थी तब हम सोचते रहे थे मौसम बढ़िया हो, मौसम बढ़िया हो, बढ़िया हुआ तो हम पहाड़ों पे आ गए। चलो कोई नहीं कोई नहीं। और पापा मज़े ले रहे हैं गाड़ी चलाने के फुल, और मैं थक रहा हूँ बैठा बैठा, क्योंकि मुझे बैठने की आदत ही नहीं है गाड़ी में, हमेशा ड्राइवर सीट पर होता था मैं, अब मेरे को थकावट हो रही है बैठे बैठे।
किलोमीटर खड़े पहाड़ों में घूमा गाड़ी। कोई नहीं, आप चलाओ चलाओ जितना मन करे आप चलाओ, मेरे को मजा आता है हिलके ऊपर गाड़ी चलाने। आप चलाओ। ऐसे रख के बैठा हुआ था और ये देखो मेहंदी लग गई, मेहंदी लग गई कीचड़ आ रहा है। 16 महीने बाद दोबारा लग गई So guys, this is our third stop और हम रास्ते में ही हैं और हमेशा की तरह फिर से गाड़ी बज गई है, पॉकेट में पड़े पड़े बटन बज गया था और हम खा रहे हैं पराठे मैगी और ये कुश्ती खा रही है एज यूजुअल। चलिए और हमने रील शूट करी और फोटोज क्लिक करी है एकदम बढ़िया। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं फिर से फील कर रही हूँ पहाड़ों में आते ही और मैं कुछ नहीं कर पा रही। कोई ना कोई, आराम से टेक योर टाइम। गाइस हम शायद काली गाड़ी लाए थे लेकिन ये कीचड़ ने इसको पूरा ही बदल दिया है और खाना हमने खा लिया है, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया लेकिन यहाँ का व्यू देख के जो मज़ा आ गया ना भाई, ये देखो टाइम लैप्स तो आपने देख ही लिया होगा क्या नज़ारा था यहाँ का। अब शायद से अपुन गाड़ी चलाएगा और 9:40 हो गए हैं, बहुत लेट हो गया, अभी भी दिखा रहे हैं कि 3 बजे पहुँचेंगे हम, बहुत दूर था यार और ट्रैफिक भी मिल रहा है बार बार तो ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन मौसम ने सब खराब चीज़ को बढ़िया कर दिया है तो लेट्स गो। चलिए सनरूफ कम कर। सो गाइस हमें हर जगह कुछ ना कुछ उगता हुआ मिल जाता है, वो भी इतने बड़े बड़े। मम्मी आप खुश हो, फाइनली हम हर व्लॉग में बोलते थे मम्मी देखो एप्पल, मम्मी देखो चेरी, मम्मी देखो मैंगो, एप्रिकॉट, हाँ वो रहा एप्रिकॉट का पेड़, मम्मी तो सलाम मारने वाली है वो पत्थर है, मैं पत्थर पे आ गया, चले जाओ आप। चलो यार खा के तो देखें कैसा है। ओए पानी गिर गया, खट्टा बहुत खट्टा है भाई। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? सबसे लाल वो रंग में, अरे ये होते नहीं है मुझे लग रहा है प्लम। हाँ आलू बुखारा है, आलू बुखारा है, आलू बुखारा है, आलू बुखारा है, आलू बुखारा नहीं आलू नहीं। देखो ये देखो ये देखो ये वाला जो कितना अच्छा कलर है, और गाड़ी की हालत देखो जरा कितनी गंदी हो गई है, हे राम। अरे ब्लैक अलॉयज वाइट हो गए हैं, क्लाउड्स भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, 1:30 बज चुका है, डेढ़ ऑलरेडी, और हम अभी तक मनाली इतने ही है, मनाली क्रॉस नहीं किया है भाई, क्रॉस खत्म हो ही गया, मनाली जस्ट क्रॉस किया है मनाली। हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली पर हम यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हमें जाना है आगे। करने वाले हैं अटल टनल में, थोड़ी बाबा सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं लगा अभी तक, ये पहाड़ बड़ा हो गया बहुत। मैं लाहौल में और यहाँ की अच्छी है, अलग ही हो गया माहौल पूरा ना,
बनाने में ज्यादा ग्रीनरी थी यहाँ पे, स्टोन ज्यादा पासना बता जरा व्लॉग में तू गई हुई है ना पासना यस तो नीचे देख रहे हो ये सिसु की लेक है और ये पूरा सिसु एरिया है और गार्डन है तो सिसु वाटरफॉल जो पीछे है अटल टनल पार करने के बाद मौसम बिल्कुल ही बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, सब बदल गया है और पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, चितकुल जैसे खड़े पहाड़ और हवा ठंडी और गाड़ी हमारी और ज़्यादा गंदी। तो दिख भी नहीं रहा ब्लैक कलर कहाँ है और मेरे को अब नींद आ रही है लेकिन हवा से नींद खुल रही है। ये देखो व्यू सो डोप। सो गाइस वी आर फाइनली रीच्ड जूनीपर कैंप्स। यहाँ हम रुकने वाले हैं, ये जगह है केलोंग और ये रास्ता है। तो मैं देखने आया था, भैया ने तो कहा फ़ोन करके कि आप ले आओ चढ़ जाएगी गाड़ी आराम से और ये हमारे कैंप्स है, तो मैंने फिर भी कहा यार एक बार देख लूँ क्योंकि 4x4 नहीं है अपनी क्रेटा तो कहीं दिक्कत ना हो। चलो बाबा आप रुको मैं लेके आता हूँ। So guys, this is the camp. So हम अराउंड 3:30 पहुँच गए थे, 4:15 हो रहे हैं अभी। डिसाइड हो रहा है कि ये वाले 2 टेंट लें या फिर ये वाले 2 और वो सामने है केलोंग की मेन मार्केट, केलोंग टाउन। वहाँ पे हम जाएंगे शायद शाम को मोमोज वगैरह खाने और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। आई गेस फिर से बारिश शुरू होने वाली है और जो ऊपर हमें दिखा है आई गेस दिस इज़ अ मोनेस्ट्री क्योंकि ये ऐसे एकदम से पहाड़ों के बीच बना हुआ है तो यहाँ बुद्धिस्ट वगैरह ही रहते हैं ऐसी जगह पे। तो अभी जो यहाँ के ओनर हैं उनसे पता करते हैं कि क्या वो मोनेस्ट्री है या फिर वो क्या है और क्या हम वहाँ जा सकते हैं। सो गाइस बारिश शुरू हो गई है और दिस इज़ योरदोंग YORDONG योरदोंग मोनेस्ट्री और यहाँ पे जा सकते हैं, 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो अभी पास्टर के डिस्कस करते हैं और चलते हैं ऊपर। यहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, नॉट बुद्धिस्ट, मॉन्क्स। और भाई क्या क्लाउड्स है यार, ये पापा को बर्गर खाना है। ये हमारा टेंट अंदर से, ये पापा का टेंट है और ये हमारा है, इसमें मैं उपासना और चारू रुकेंगे, इसमें मम्मी पापा। और धूप आ गई एकदम बढ़िया वाली, बिल्कुल तेज। नेक्स्ट वी हैव फ्राइड राइस और इसके बाद हम खाएंगे चिली पोटैटो। लेटर दैट सेम इवनिंग। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे हमारे टेंट में, मतलब सो के उठ चुके हैं, खाना खाने के बाद सो गए थे, उसके बाद उठ चुके हैं और अब खाना खाने जा रहे हैं और बाहर बारिश हुए जा रही है और बारिश से बचने के लिए सुबह तक कोई नहीं था किसी और टेंट में, अब लोग आगे बढ़ सकते, मैं जाके डराता हूँ उनको। तुझे डराने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे भी जाएगा तब भी डर जाएंगे। गजब बेइज्जती है, डर जाएगा यहाँ पर। गाइस ये वही रमेश गंभीर है जो इंस्टा पे इतनी वो लोग मारेंगे, पत्थर मारेंगे लोग तुझे भगा।
हो गया। चलो यार भूख लग रही है। अभी जा रहे बाकी लोगों को लेने के लिए। हम ले आए इसको भूत बाबा को। ये है हमारा यहाँ से दिखने वाला कढ़ाई चिकन और ये मोमोज वाली चटनी और ये मेयोनीज और ये है उपासना। इतनी ठंडी है ऐसे नहीं है। तो ये है कैंप का किचन एरिया। बढ़िया तंदूरी चिकन बन गया है। ये हमारे शेफ साहब है, हमारे किरुभाई और ये पूरी टीम है। छेरिंग गुरमे जी, आपका नाम? छेरिंग टेशी जी। आपका भाई? मेरा भी छेरू। आपका? मेरा कुंगा बोध। सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। सब अपने आप को घर में अपनी फैमिली के साथ टीवी पर देखेंगे। झूले। चलो अब टेस्ट करते हैं कैसा बना है खाना। चलो How's tandoori chicken, guys? Nice. तो guys अब बजने वाले हैं 12 और पापा का बर्थडे होने वाला है स्टार्ट। तो हम यहाँ पे थोड़े बहुत प्रिपरेशंस कर रहे हैं। देखो इस नमेश गंभीर को, देखो इन्हें, ये ओस की बूंदे आगे नहीं आता। हाय मेरा काडू, हाय मेरा काडू, हाय मेरा काडू। हो गया मैं इतनी मेहनत से बुला रही हूँ इसको, जज करके प्लीज हमारे चैनल अनसब्सक्राइब मत करना। ये थोड़ा हिल गया। गाइस देखो, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द केक। वी कुड नॉट गेट केक ओवर हियर इन केलोंग, सो वी जस्ट ब्रॉट दिस। घर से लेके आ रहे थे ना? हाँ, ये घर से लेके आए हैं। केक घर से आए तो खराब हो जाता, तो फिर इसलिए अब हम इस पे 5 एंड वी विल पुट 0। जल्दी कर लो, पापा सो जाएंगे। थैंक यू बच्चों। नाइस। और फोटोज क्लिक कर। हाँ, फोटोज क्लिक कर दो। थोड़ा ऊपर करो पापा। गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। सो गाइस ठंड हो रही है जबरदस्त, 1 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और 1 बज रहा है। चारू ऑलमोस्ट सो चुकी है और पास नौ बजे देखने आए थे मौसम कैसा हो रहा है कि थोड़ा खुला मौसम सुबह क्या होगा। बारिश रुक गई है फाइनली। हाँ। दोपहर से बारिश हुई थी। ये देखो ये भी व्यू है, कितना बढ़िया लग रहा है। मून पीछे, बादल हट रहे हैं धीरे धीरे और वो लाहौल, कह रहा हूँ के लॉन्ग सिटी। यस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग टिल एंड। और इसमें बंदर लग रहा हूँ, देखो मेरे कान। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। भाभी आवाज मार रही है। तो ठीक है गाइस, आपको मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ रोड ट्रिप पे। पापा का 50th बर्थडे है तो कल और फन करेंगे हम। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट, पापा को हैप्पी बर्थडे विश करो सारे और सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर अभी तक नहीं कराए तो। और उपासना का चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, उसने अलग ब्लॉग बनाया है यहाँ का, वो भी जल्दी आएगा। पहले जल्दी उसके आएगा। थोड़े ब्लॉग्स ड्यू हैं वो आएंगे। हाँ, हमटा पास वगैरह इसने बहुत तगड़े ट्रैक करे हुए हैं तो वो ज़रूर देखना। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, बाय, गुड नाइट। With the